फल के अंदर है पांच लोग, इसको निकाल करके आपको दिखला देते हैं। अच्छा, ये देखो मित्रों, आपको पंचमुखी रुद्राक्ष दिखाता हूँ। ये देखो भैया कैसे जो है फल के अंदर से निकाल रहे हैं। मित्रों ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा हूँ किस तरीके से पंचमुखी रुद्राक्ष फल के अंदर से निकाला जाता है, और ये पेड़ों पर लगता है, ज़्यादातर नेपाल और इंडोनेशिया से आता है। ये देखिए इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जा रहा है, एक अद्भुत प्रोसेस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। ये देखिए कितना बेहतरीन प्रोसेस है। अभी ये सफाई कर रहे हैं, ये देखिए बहुत गजब। ये बहुत गजब, बहुत गजब। पंचमुखी पांच लाइन है, एक दो तीन चार, ये पांच पांच पंचमुखी। इसको मतलब धारण करने का सही तरीका क्या है और क्या क्या लाभ होता है इसको? 200 करोड़ कम करता है, बिजनेस में लाभ करता है। अच्छा, पत्नी के लिए होता है। अच्छा, राजा लड़ाई ना हो। तीन मुखी परमा विष्णु महेश है, अग्नि से तेज है, शनि पर भारी है। अच्छा, हर खतरे भय से बचाता है। अच्छा, तांबे के बर्तन में रख के पानी पिए, बीपी शुगर कंट्रोल करता है। क्या बात, लड़कों को पढ़ाई में नंबर वन पे ले जाता है। अच्छा, बाकी जानकारी गूगल पे रिसर्च कर लेना। चार मुखी है, वर्मा जी का है, दोष मिटाता है, गंदे कमर में दर्द होता है, माता पिता को बांध दिया जाए तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, पांच मुखी में पांच भगवान का वास है। हाँ, छह मुखी लड़कियों का है, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए होता है, उसका कार्तिकेय स्वामी बोलते हैं। अच्छा, सात मुखी लक्ष्मी का वास है। इसी तरीके से हर रुद्राक्ष में अपने अपने भगवान शिव की आंखों से प्रकट हुआ है धरती पे। अच्छा, अब उनकी अलग अलग लीला है। अच्छा, एक से लेकर 14 14। अच्छा, से लेकर भगवान शिव को बहुत प्रिय है रुद्राक्ष, जब उसी के आंसुओं से तो प्रकट हुआ है। अच्छा, तो ये जो भैया है ये फल के अंदर है पांच लोग, इसको निकाल करके आपको दिखला देते हैं। अच्छा, ये देखो मित्रों, आपको पंचमुखी रुद्राक्ष दिखाता हूँ। ये देखो भैया कैसे जो है फल के अंदर से निकाल रहे हैं। मित्रों ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा हूँ किस तरीके से पंचमुखी रुद्राक्ष फल के अंदर से निकाला जाता है, और ये पेड़ों पर लगता है, ज़्यादातर नेपाल और इंडोनेशिया से आता है। ये देखिए इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जा रहा है, एक अद्भुत प्रोसेस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। ये देखिए कितना बेहतरीन प्रोसेस है। अभी ये सफाई कर रहे हैं, ये देखिए बहुत गजब, ये बहुत गजब, बहुत गजब। पंचमुखी पांच लाइन है, एक दो तीन चार, ये पांच पांच पंचमुखी। इसको मतलब धारण करने का सही तरीका क्या है और क्या क्या लाभ होता है इसको? 2 या 3 दिन तेल में रखने पड़ते हैं। अच्छा, सरसों के तेल में, सोमवार के दिन इसको निकाल कर शिवलिंग से कच करा के लाल धागा में धारण करके पहनना। अच्छा, ठीक है। ज्यादा करके सावन शिवरात्रि पे होता है। अच्छा, आन दिन अगर पहनना है तो सोमवार के दिन पहना जाता है। अच्छा, ठीक है। इसको धारण करने से क्या क्या फायदे होते हैं जी? बहुत एनर्जी से भरपूर है। अच्छा, सब एनर्जी से भरपूर है, भगवान कुदरत का है ये। नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और पॉजिटिव एनर्जी को पास लाता है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग गले के अंदर में रखते थे। 1990 से पहले किसी को पता नहीं था कि है क्या। 1990 के बाद में सब गूगल आ गया मार्केट में, तब लोगों को गृहस्थी वालों को पता लग गया, तब लेना शुरू कर दिया। पहले ऋषि मुनि लोग गले में हुआ। अच्छा, और भी कई जड़ी बूटियां रखी हैं भैया जी आपने, ये क्या है? ये केदार कड़वी है। अच्छा, इसके क्या बुखार है, खांसी है, टाइम। अच्छा, जड़ी बूटी। हाँ, बस यही है। और ये क्या है भैया? ये वही है, ऐसा ही है। अच्छा, ठीक है। ये क्या है भैया? कौड़ी है। ये कौड़ी है, तो पहले मुद्रा के रूप में चलता था। जी जी, समुद्र। अच्छा, समुद्र में मिलता है ये सब, गुजरात से आया हुआ समुद्र की। अच्छा अच्छा, मान लीजिए कोई रुद्राक्ष खरीदना चाहता है, पंचमुखी का क्या रेट है? पंचमुखी का ये कम 50 का देते हैं। अच्छा जी, और दो मुखी तीन मुखी सबका रेट आप बताते हैं? 50 ही है। मैं इसी वीडियो में आपका नंबर भी डाल दूंगा, मान लो कोई घूमने आता है आपसे संपर्क भी कर सकता है। और एक चीज और दिखाओ कि भैया जो है एकदम डिजिटल हो गए हैं, जो मोदी जी का मिशन है ना डिजिटल भारत, पेमेंट भी भाई साहब ये पेटीएम से लेते हैं, देखो UPI से लेते हैं, देख करके हमको बहुत अच्छा। जय सिया राम, हर हर महादेव।